पब्लिक इंटरेस्ट में आज उन किरदारों का खुलासा करना है आपके सामने जो पर्दे के पीछे रहकर 13 दिसंबर वाले संसद कांड के आरोपियों को डायरेक्शन दे रहे थे। कल तक 5 किरदार थे, अब 7 हो गए हैं, 2 बढ़ गए। एक डायरी मिली है जिसमें 30 से ज्यादा नाम है। ये लोग कौन है? पुलिस जांच भी कर रही है। ललित झा सरेंडर कर चुका है, जिसका हम कल बताया था कि फरार है, वही ललित झा। 7 दिन की रिमांड मिल गई है उसकी। पुलिस का कहना है इसका मकसद सांसदों को डराना और देश में अशांति पैदा करना था। प्लानिंग पता ना चले इसके लिए फोन तोड़ दिए गए ताकि कोई सुराग ही ना रहे प्लानिंग का। ललित के 2 साथी महेश और कैलाश भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने भी ये पता लगाने की कोशिश की है कि कहीं कोई दुश्मन मुल्क इनको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था, ये टूल किट की तरह सहारा तो नहीं बने हुए थे किसी का। संसद की सुरक्षा में चूक एक गहरी साजिश है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपको संसद कांड की प्लानिंग भी दिखाई। अब 6 आरोपी ललित झा ने खुद सामने आकर इस बात पर मोहर लगा दी है। ललित ने कहा कि संसद में घुसपैठ को अंजाम देने के लिए ना सिर्फ तगड़ी प्लानिंग की गई बल्कि इसमें ललित, मनोरंजन, नीलम, अमोल, सागर और विक्की के अलावा कुछ और किरदार भी शामिल थे। ललित झा संसद में घुसपैठ का सूत्रधार बताया जा रहा है। 13 दिसंबर को ललित संसद के बाहर से फरार हो गया था। अब सरेंडर करने के बाद ललित ने एक और बड़ा खुलासा किया, वो ये है कि 13 दिसंबर के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 प्लान बनाए गए थे, प्लान ए और प्लान बी। करीब 9 महीने से तैयारियां चल रही थी कि किस तरीके से इस स्मोक कैंडल को पार्लियामेंट तक लेकर जाना है, किस तरीके से सिक्योरिटी चेकिंग से बचना है। लेकिन अगर ये साजिश फेल हो जाती तो पूछताछ में कथित मास्टरमाइंड ललित झा ने बताया कि इसके लिए प्लान बी पहले से तैयार था। इसके लिए 2 और मोहरे तैयार किए गए थे, महेश और कैलाश। अगर 13 दिसंबर को नीलम और अमोल संसद के बाहर नहीं जा पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश संसद के करीब जाते और मीडिया के सामने कैमरों के आगे रंगीन पटाखे जलाकर नारेबाजी करते। लेकिन महेश और कैलाश दिल्ली नहीं पहुंचे, जिसके बाद आरोपियों ने पहले प्लान के तहत ही काम किया। एक बड़ा खुलासा आरोपी सागर शर्मा को लेकर भी हुआ है। लखनऊ में सागर के घर से एक लाल डायरी मिली है जिसमें लिखा है, घर से विदा लेने का समय पास है, कुछ कर गुजरने की आग धधक रही है। काश मैं माता पिता को भी समझा पाता, मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान है, ताकतवर वही जिसमें सुख त्यागने की क्षमता हो। डायरी अब जांच एजेंसियों के कब्जे में है। डायरी के साथ सागर के सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं ताकि सागर से जुड़े तार तलाशे जा सके। दूसरी तरफ संसद कांड पर सियासत और गर्मा गई है। जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। संसद में सुरक्षा पर राजनीति से कोई बाज नहीं आ रहा। संसद के अंदर हंगामा हो रहा है, बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीरंदाजी भी चालू है। जबकि असल मामला ये है कि संसद की सुरक्षा पुख्ता कैसे हो। ये मामला बेहद गंभीर है और साजिश की जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। आरोपियों के फोन बड़ा सबूत थे, शायद इसीलिए उन्हें नष्ट कर दिया गया। इसलिए अब एजेंसियां मामले से जुड़े हर पहलू की तह तक जाने में लगी हैं। जैसे तैसे सच्चाई सामने आएगी और उस सच्चाई को हम आपके सामने लाते रहेंगे। ABP News आपको रखे आगे।